सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि किस वजह से हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आखिर हमारा मकसद क्या है यीशु के पीछे चलने का? क्या आज हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि यीशु हमें एक घर देगा, यीशु हमें एक बहुत बड़ा बंगला देगा, यीशु हमें एक बढ़िया गाड़ी देगा, यीशु हमें हर बीमारी से आजाद करेगा आदि आदि? क्या यीशु सिर्फ इसी कारण इस पृथ्वी पर आए थे? क्या हम इसी वजह से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉलो द लाइफ ऑफ जीसस www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है गलातियों की पत्री 1:7 में, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, 2010 के बाद एक सुसमाचार बहुत तेजी से फैला है। इस सुसमाचार में यीशु को पाप से छुड़ाने वाला नहीं, पर उसको लोगों के रुके हुए काम करने वाला, बंद कामों को फिर से चालू करने वाला, एक नया घर देने वाला, बीजा लगाने वाला, सिर्फ बीमारियों से छुटकारा देने वाला आदि आदि करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, पर यदि आप सिर्फ उसको आशीष देने वाला करके ही जानते हैं, तो शायद आपने उसको ठीक से नहीं जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि हम पाप से आजाद हो, हमारा पूरा पूरा उद्धार हो। मेरे प्रियो, हमारे स्वभाव में जो पाप है वो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने से रोकता है, और इसी कारण यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हम पापों की माफी पाए और पवित्र आत्मा को पाले। मेरे प्रियो, आज हम सभी मसीह भाई और बहनों के पास पवित्र आत्मा है। वो आपको उत्साहित भी करता है और आपको आपके गलत काम भी दिखाता है। वो आपसे बहुत बार कहता है, झूठ मत बोल, किसी के लिए वासना भरे विचार मत रख, और भी बहुत कुछ वो हमें बताता है ताकि हम पाप न करें। मेरे भाइयों और बहनों, एक सच्चा सुसमाचार बाइबल के अनुसार यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया ताकि हम पापों से आजाद हो और परमेश्वर के साथ संगति रख पाए। उसने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर इसलिए भेजा ताकि हमारा ध्यान संसारिक बातों से निकलकर यीशु की तरफ लगे। मेरे प्रियो, एक सवाल अपने आप से पूछे, आप यीशु के पीछे हैं या अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं? यदि आपने सचमुच इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखे हैं तो प्लीज कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर और लोग भी आशीषित हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।